हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल कैलकुलेटर के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम कैसे डिजाइन कर पाते हैं सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक प्ले लिस्ट जनरेट कर रहा हूँ जिसमें मैं ऑलरेडी 23 वीडियोज जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। उन वीडियोज को या फिर उन प्रोग्राम्स को देख कर आप अपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो कंसेप्ट है उन्हें क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना होगा। देन उसके बाद में यहाँ पर हमें सबसे पहले फाइल पर जाकर, ओपन फोल्डर पर जाकर हमारा फोल्डर जो है वो ओपन करेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने अपना फोल्डर जो है वो ओपन कर लिया है। ओके, अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, सबसे पहले न्यू फाइल पर जाएंगे एंड यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे कैलकुलेटर डॉट सी। ओके, तो यहाँ पर मैंने फाइल क्रिएट कर ली है। एंड दोस्तों, मैंने जो लास्ट वीडियो मेरा वो मैंने बाइनरी फॉर्मेट पे बनाया है, उस प्रोग्राम में मैंने बताया कि जो नंबर यूजर एंटर कर रहा है वो बाइनरी फॉर्मेट में है या नहीं, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। देन अब उसके बाद में हम यहाँ पर सबसे पहले करेंगे क्या, इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम हमारी बेसिक हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट हेडर फाइल है वो है हैशटैग इंक्लूड एसटीडीआई डॉट एच। देन सेकेंड हेडर फाइल जो है हमारी हैशटैग इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ओके, अब इनका मतलब समझ लेते हैं। जो पहली हेडर फाइल है उसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इस हेडर फाइल के अंदर हमारे सारे इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन जो भी परफॉर्म होने वाले हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं। देन सेकंड हेडर फाइल होती है हमारी कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इस हेडर फाइल के अंदर हमारे सारे प्रिंटएफ फंक्शन, स्कैनएफ फंक्शन, जो भी फंक्शन हम यूज करेंगे अभी इस प्रोग्राम में वो सारे इंक्लूड होते हैं। देन मेन फंक्शन का डिक्लेरेशन करेंगे हम यहाँ पर। देन उसके बाद में एक ओपन एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस एंड रिटर्न जीरो। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सी का तैयार हो चुका है। ओके, अब हम आज के प्रोग्राम में करेंगे क्या, हम सबसे पहले एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम यूजर से चॉइस को रिक्वेस्ट करेंगे। देन तीन वेरिएबल बनाएंगे हम, ए बी एंड रिजल्ट। ओके, तो ए बी हमारे जो होंगे वो हमारे वैल्यूज होंगे जिनके साथ हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ऑपरेंड बोल सकते हैं हम जिन्हें। रिजल्ट हमारा रिजल्ट स्टोर करने के लिए होगा। ओके, आज के प्रोग्राम में हम करेंगे क्या, हम बेसिकली हमारे जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है उनका एक सिंपल कैलकुलेटर डिजाइन करेंगे जिसमें हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परफॉर्म करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम प्रिंटर फंक्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले हम यूजर से चॉइस ले लेंगे कि उसे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंटर चॉइस, देन उसके बाद स्लैश एन का यूज करेंगे, देन स्कैनएफ, उसके बाद में हम परसेंट सी यूज करेंगे यहाँ पर चॉइस के लिए एंड सी। ओके, देन उसके बाद में हम हमारे ऑपरेंड्स की वैल्यू ले लेंगे, प्रिंटर फंक्शन का यूज करेंगे सेम, एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर। ओके, एंड देन उसके बाद में हम यहाँ पे स्लैशन का यूज करेंगे, देन स्कैनएफ का अगेन यूज करेंगे इनपुट लेने के लिए, परसेंट डी, देन उसके बाद में एंड ए। ओके, सेम हमें बी के लिए करना है तो हम इसको करेंगे सिंपली कॉपी एंड देन शिफ्ट अल्ट एंड डाउन एरो, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, सेकंड लिखेंगे सिर्फ एंड यहाँ पर हम लिख देंगे बी। ओके, अब हमें स्विच केस का सिंटेक्स अगर नहीं भी पता हो या फिर पता हो तो जैसे हमें स्विच केस का सिंटेक्स पता है तो हम यहाँ पर देखिए, मैंने एस डब्ल्यू आई टाइप किया एंड हमें जो यहाँ पर सजेस्ट मिल गया, सजेशन मिल गया है कि ये, तो मैं जैसे ही एंटर करूँगा यहाँ पर मुझे एक्सप्रेशन लिखना है सबसे पहले, तो मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन में क्या लिखूंगा, मुझे सी वेरी करना है तो मैंने सी लिख दिया यहाँ पर। ओके, देन उसके बाद केस वन में मुझे क्या करना है, कैरेक्टर वेरी वैल्यू को मैं वेरी कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करूँगा एंड देन उसके बाद में प्लस लिखूंगा। एडिशन के लिए प्लस यूज़ करेंगे, सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लीकेशन के लिए स्टार एंड डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश। ओके, अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, रिजल्ट इक्वल्स टू ए प्लस बी। ओके, यहाँ पर ये मेरा एडिशन परफॉर्म हो जाएगा, मैं यहाँ पर प्रिंटएफ की फंक्शन थ्रू मेरा जो रिजल्ट है वो प्रिंट कर दूंगा, द एडिशन ऑफ द नंबर इज परसेंट डी कॉमा यहाँ पर रिजल्ट। ओके, ये मेरा एडिशन के लिए हो गया। सेम चीज़ में यहाँ पर मेरे सब्सट्रैक्शन के लिए कर लूँगा, तो वही सेम शिफ्ट अल्ट एंड डाउन एरो। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम माइनस लगा देंगे। ओके, देन उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे, देन उसके बाद में यहाँ पर लिख देंगे सब्सट्रैक्शन। ओके, सब्सट्रैक्शन, देन उसके बाद में यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन के लिए स्टार लगा देंगे, यहाँ पर स्टार ले लेंगे, देन यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लीकेशन,
देन उसके बाद में एक और बार हमें डुप्लीकेट करना होगा इसी वैल्यू को। तो हम यहाँ पर ये करने के बाद में हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करेंगे अभी यहाँ पर डिवीजन के लिए। यहाँ पर भी सेम डिवीजन के लिए वही यूज़ करेंगे हम, एंड यहाँ पर लिख देंगे सिंपली डिवीजन। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है, हमारे केसेस तो हो चुके। अब डिफॉल्ट केस भी होता है स्विच केस में, तो हम डिफॉल्ट में क्या करेंगे, हम डिफॉल्ट में सिंपली डिफॉल्ट में एक चीज़ प्रिंट कर देंगे यहाँ पर प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू। प्रिंट एफ एंटर द अप्रोप्रिएट चॉइस। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम हो चुका है। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ सेमी कॉलन लगा देते हैं, नहीं तो जो हमारा प्रोग्राम है वो एरर देगा। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मेट करेंगे पहले डॉक्यूमेंट को, हमारे जो फाइल है हमारे, तो शिफ्ट अल्ट और एफ को प्रेस करेंगे तो हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है या फिर जो हमारा ये प्रोग्राम है वो फॉर्मेट हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे क्या, थोड़े इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं यूज़र को कि कौन सा परफॉर्म करने के लिए, जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं उसके लिए क्या प्रेस करना है क्या नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। पहले मैं यहाँ पर स्टार थोड़ा कर लेता हूँ तो इससे थोड़ा अच्छा दिखेगा हमारा प्रोग्राम। देन सेम चीज़ यहाँ पे, एंड देन उसके बाद में प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ किया, एंड देन उसके बाद में यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, प्रेस ये सॉरी हमें प्लस प्रेस करना है। किसके लिए प्लस प्रेस करना है, जब हमें एडिशन करना है तो फॉर एडिशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, देन उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, इसे ही डुप्लीकेट कर लेता हूँ 4 बार। हो गया, देन उसके बाद मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का यूज़ करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्शन। देन उसके बाद में यहाँ पे स्टार ले लेते हैं हम मल्टीप्लीकेशन के लिए, मल्टीप्लीकेशन। देन उसके बाद में यहाँ पे डिवीजन के लिए हम स्लैश ले लेंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे हम डिवीजन। तो ये जो प्रोग्राम है हमारा अब हो चुका है। ओके, तो एक बार और मैं शिफ्ट अल्ट एफ दबा देता हूँ ताकि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो फॉर्मेट हो जाए। ये हमारा प्रोग्राम जो था वो हो चुका है यहाँ पर। अब इसको रन करने के लिए हम टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद में न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हमारा आउटपुट जो टर्मिनल है वो आ जाएगा। ओके, पर उसके पहले हम सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोगों ने स्लैशन नहीं दिया है, तो हम स्लैशन दे देंगे। ओके, ताकि जो हमारा ये जो स्टेटमेंट है नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होना स्टार्ट हो सारे, नहीं तो ये सारे एक साथ आ जाएंगे तो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर स्लैशन दे देंगे एंड उसके बाद में यहाँ पर एक स्लैशन दे देते हैं एंड एक यहाँ पर दे देते हैं स्लैशन। तो इसका जो ये डिस्प्ले होकर जो आउटपुट मिलेगा हमें वो एकदम क्लियर मिलेगा एंड कुछ भी मैसी नहीं होगा हमारे इसमें। ओके, प्रोग्राम में तो यहाँ पर फुल स्टॉप दे देता हूँ मैं। तो ये अब जो हमारा प्रोग्राम है वो पूरा तैयार है। अब टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद में हम करेंगे क्या, यहाँ पे हमारी जो फाइल का नाम है जीसीसी, जो हमारा कंपाइलर है पहले उसे यूज़ करेंगे। या फिर मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ, आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा। सीएलएस कमांड का यूज़ करके आप क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन, ये देखिए। देन उस पर जीसीसी टाइप कीजिए, उसके बाद में अपना कैलकुलेटर जो फाइल का नाम है वो टाइप करेंगे हम यहाँ पर calculator.c। यहाँ पर जैसे ही हमने एंटर किया यहाँ पे मेरी देखिए .exe पहले नहीं थी, अभी ये जनरेट हुई है ये फाइल। ओके, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर डिलीट करूँ ये फाइल को एंड वापस अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पर देखिएगा आप a.exe जो है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। अब इसी a.exe को, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ये कहीं पर भी आप रन करेंगे तो इस फाइल के अंदर इस प्रोग्राम का जो भी डेटा है वो सारा स्टोर्ड है। आप कहीं भी इसे रन करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी टर्मिनल में यूज़ करें इसको, आप कमांड प्रॉम्प्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फाइल जो है इस प्रोग्राम का जो डेटा है वो उसके पास स्टोर्ड है, वहाँ पर ये रन कर देगी इस प्रोग्राम को। ओके, तो यहाँ पर ए प्रेस करके टैब प्रेस करेंगे एंड देन उसके बाद में ये देखिए बहुत अच्छा दिख रहा है अब हमारा जो प्रोग्राम का जो आउटपुट आया है वो। अब यहाँ पर मैं चॉइस एंटर करता हूँ प्लस एंड देन उसके बाद में लिखता हूँ द एंटर वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर 4। तो देखिए द एडिशन ऑफ द नंबर इज 6। ओके, यहाँ पर सी एल एस प्रिंट करेंगे, देन उसके बाद में वापस मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो यहाँ पर मैं देता हूँ मल्टीप्लीकेशन के लिए स्टार, देन उसका 3 + 4 = 12। ओके, तो यही था आज के लिए प्रोग्राम। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।